दोस्तों अगर आप एंट्री लेवल एंड बजट सेगमेंट का फ़ोन के ऊपर गौर कीजिएगा, आपका पास बहुत सारा अच्छा कुछ ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, बट फिर भी इस बजट के अंदर इन्फिनिक्स की तरह ब्रांड जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया इन्फिनिक्स का हॉट 11 का 2022 एडिशन। फ़ोन का दाम तो आपको 10,000 रुपया देखने को मिलेगा, बट पहला सेल के अंदर ये 9,000 रुपया में तो देखने को मिलेगा, नियर फ्यूचर भी आपको आराम से 9,000 रुपया की आसपास में देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप देखिएगा इस बजट कैटेगरी के अंदर ही इन्फिनिक्स की तरफ से आता है इन्फिनिक्स का हॉट 11S, और जो फोन आपको 11,000 रुपया में देखने को मिल जाएगा, बट बैंक ऑफर के साथ ये फोन भी आपको तकरीबन 10,000 रुपया के आसपास में देखने को मिलेगा। कंपैरिजन देख लीजिए, हॉट 11 2022 लेने का पहले देखिएगा आपको ये फोन कितना ज्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर गौर कीजिएगा तो इन्फिनिक्स जो है हमेशा जो है डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा काम करते आ रहे हैं, एंड ये काम आपको दोनों फोन के अंदर भी देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स हॉट 11S का जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक डिज़ाइन तो देखने को मिलेगा, काफ़ी यूनिक लुकिंग भी है डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन में टेक्सचर तो देखने को मिलेगा, बट ये जो फोन है ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको आते देखने को मिल जाएगा। फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे, स्पेशली कैमरा बॉम का अगर आप डिज़ाइन देखिएगा काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक डिज़ाइन तो देखने को मिलेगा। ये फोन में आपको पीछे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, इधर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड सेम टाइम यूज कर पाएंगे। ये फोन में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, किसी तरह नॉइस कैंसलेशन माइक इधर सेकेंडरी नहीं है। अब सेम टाइम अगर इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 को देखिएगा, ये फोन का भी डिजाइन काफी अच्छा है, काफी एक मिनिमल लुकिंग अप्रोच के साथ ये फोन आपको आते देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिजाइन जो है ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिलेगा, मुझको पर्सनली ये फोन का कैमरा वाम का डिजाइन एंड ओवरऑल जो टेक्सचर देखने को मिलेगा ये मुझको अच्छा लगा। फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो ये फोन में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड सेम टाइम यूज कर पाएंगे। ये फोन में आपको सिंगल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेगा, बट डीटीएस सराउंडिंग सपोर्ट का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का डिस्प्ले के ऊपर गौर कीजिएगा तो इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 के अंदर आपको 6.67 इंच, बोला जाए तो 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, एंड 5 होल भी देखने को मिल रहा है, किसी तरह नॉच नहीं है, एकदम बीच में। तो अगर आप देखिएगा ये फोन 9,000-10,000 रुपया वाइज ये फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले यही सबसे बड़ी बात है ये फोन का, एंड ये हाईलाइटेड पॉइंट भी है ये फोन का। तो सब कुछ लेकर पर्सनली मुझको जो लगता है ये फोन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट सेम टाइम अगर इन्फिनिक्स का हॉट 11S को देखिएगा ये भी पीछे नहीं है, ये फोन और भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इधर 6.67 इंच का मतलब 6.7 इंच का ही डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, बट ये जो है 90Hz रिफ्रेश रेट का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, बीच में इधर भी 5 होल देखने को मिलेगा। एंड 90Hz रिफ्रेश रेट होने पर आपका जो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बोलिए, नहीं तो आपका जो सॉफ्टवेयर यूज का एक्सपीरियंस है, ये और भी ज्यादा एनहेंस करने में ये फोन आपको हेल्प करने वाला है। तो सब कुछ लेकर डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन एज पर द प्राइस ठीक है। दोस्तों दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट की गौर कीजिएगा, दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा, एंड स्टोरेज जो है eMMC 5.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ प्रोसेसर जो UFS स्टोरेज सपोर्ट नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए देखिए चैनल में व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर का जो रेशियो चल रहा है ये 1% के आसपास चल रहा है, चैनल का हालत भी कुछ खास नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ने का वजह उल्टा गिर रहा है, मतलब इतना ही खराब कंडीशन है, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में हेल्प होगा। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे कमेंट सेक्शन है, जाइए फिर वीडियो कर कमेंट करिए, कमेंट के आंसर देने के लिए ट्राई करूंगा, स्पेशली ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ये वीडियो का व्यू ग्रो करने में उतना ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा। दोस्तों परफॉर्मेंस सेक्टर में देखिएगा इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूनिएसओसी का T610 की तरह प्रोसेसर। तो यूनिएसओसी T610 को अगर देखा जाए इसको आप मीडियाटेक हीलियो G70 से थोड़ा बेटर एंड G80 का आसपास का प्रोसेसर मान सकते हैं, जिधर से आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा, बेंचमार्किंग स्कोर एंटीटी पर आपको अराउंड 2 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। इधर आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, अगर आप मॉडरेट टाइम के लिए खेलना चाहते हो लाइटली तो भी आप इधर से आराम से खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम टाइम मल्टीटास्किंग भी अच्छा खासा ही होते देखने को मिलेगा। बट सेम टाइम अगर आप देखिए इन्फिनिक्स का हॉट 11S को, ये फोन में आपको देखने को मिल रहा है मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर। तो G88 बेसिकली G85 प्रोसेसर है। तो इधर अगर आप देखिएगा नॉर्मल टच तो अच्छा होता देखने को मिलेगा, गेमिंग भी अच्छा होता देखने को मिलेगा, इधर भी आपको जो बेंचमार्किंग स्कोर एंटीटी की पर आपको अराउंड 2,30,000-40,000 के आसपास तक मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं, गेमिंग का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा ही मिलेगा। तो सब कुछ लेकर परफॉर्मेंस सेक्टर में दोनों फोन ही अच्छा है, बट मीडियाटेक का जो एडवांटेज है G88 जो वेल टेस्टेड एक प्रोसेसर है एंड जाना माना ब्रांड, तो इसका एडवांटेज भी ये फोन के पास जाते देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों दोनों फोन का कैमरा सेगमेंट की पर गौर कीजिएगा
तो इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर f2.0 की सर, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर एंड फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो ये फोन जिस प्राइस में आ रहा है, कैमरा सेटअप एक अच्छा जस्टिफाइड कैमरा सेटअप है। इवन इससे सबसे अच्छा की ये चीज़ क्या लगा, इधर जो फ्रंट कैमरा है ये 8 मेगापिक्सल का दिया गया, जब आजकल तो 12-13 हज़ार रुपया का फोन में भी 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर घुसाया जा रहा है, तो ये चीज़ में ये फोन काफ़ी अच्छा है। हालांकि थोड़ा अगर बेटर और भी कैमरा सेंसर यूज़ किया जाता, 12 मेगापिक्सल का सेंसर जो होता है 1.25 माइक्रोन का पिक्सल साइज की सर, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। बट फिर भी अगर देखिएगा डेलाइट कंडीशन में अच्छा पिक्चर आते देखने को मिल जाएगा, इधर से अच्छा डायनामिक रेंज डिटेल सब कुछ देखने को मिलेगा, थोड़ा विविड पांची कलर भी आपको प्रोड्यूस होते देखने को मिलेगा, जो देखने में भी अच्छा लगता है। सेम टाइम अगर आप देखिएगा जो लो लाइट मोड है इधर डेडिकेटेड देखने को मिलेगा, जिससे जो आपको लो लाइट कंडीशन में पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा एनहांस कर सकते हैं, बट उतना बहुत कुछ अच्छा पिक्चर इधर देखने को नहीं मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी को आपको ठीक ठाक में यूज में ले सकते, जिधर आपको पोर्ट्रेट मोड तो पिक्चर आएगा, सेम टाइम आप ब्यूटिफिकेशन बोलिए, एचडीआर मोड बोलिए, ये सब भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ लेकर कैमरा सेगमेंट को मुझको अच्छा लगा एज पर द प्राइस। बट सेम टाइम अगर इन्फिनिक्स का हॉट 11S को देखिएगा, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का J1 सेंसर दिया गया, अपर्चर 1.6 की साथ, पिक्सल साइज 0.64 माइक्रोन का, जो पिक्सल बिल्डिंग में 1.28 माइक्रोन में आपको काम करते देखने को मिलेगा। इसका बाहर में 2 मेगापिक्सल का सेंसर और एक है एंड AI सेंसर जो कोई काम का नहीं है। फ्रंट में इधर भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया। तो ये जो प्राइमरी सेंसर है, डेलाइट में तो अच्छा पिक्चर तो क्लिक करेगा, इवन लो लाइट में भी अगर आप देखिएगा अच्छा खासा ही पिक्चर क्लिक होते देखने को मिलेगा एज पर द प्राइस। एंड इधर आपको डेडिकेटेड लो लाइट मोड भी देखने को मिलेगा, जिसको हेल्प से भी आप इधर पिक्चर अच्छा खासा ही क्लिक कर सकते। इधर भी आपको पोर्ट्रेट मोड बोलिए, HDR मोड बोलिए, तरह तरह का जो फिल्टर होता है ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बट ये सेंसर को आप एक 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा ऑप्टिमाइज 48 एंड 64 मेगापिक्सल सेंसर इससे काफी ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है इसको रिगार्डिंग हम लोगों का वीडियो है, जस्ट सर्च कीजिए J1 सेंसर टेक सेवन तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम आई कार्ड में भी लिंक देने के लिए ट्राई करूंगा, इधर से भी आप देख सकते हैं। और आठ फ्रंट का जो कैमरा है ये भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, सेम एज इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 की तरह। सेम टाइम इन्फिनिक्स हॉट 11S में आपको मैक्सिमम 2K वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा एट 30 FPS, 180p 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, किसी तरह 60 FPS या 4K वीडियो रिकॉर्ड की सपोर्ट नहीं है। स्लो मोशन मैक्सिमम 720p की ऊपर देखने को मिलेगा। एंड इधर जो है आपको EIS है या नहीं इसके बारे में कुछ डेटा मेरा पास नहीं है, इसलिए कन्फर्म होकर नहीं बोल पा रहा हूं। तो सब कुछ लेकर कैमरा सेगमेंट का बात किया जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 11S देख सकते हैं, थोड़ा सा बेटर तो आपको मिलेगा ही। दोस्तों नेक्स्ट अगर बैटरी एंड चार्जिंग की पर गौर कीजिएगा, दोनों फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, बट आपको देखिएगा इनबॉक्स 10W का चार्जर एडाप्टर हॉट 11 2022 के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे फोन चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट 25 मिनट मिनिमम लगने वाला है। बट सेम टाइम अगर देखिएगा हॉट 11S के अंदर आपको 18W का चार्जर एडाप्टर दिया गया, जो थोड़ा फास्टली फोन को चार्ज करने में देखने को मिलेगा, अराउंड आपको 85 मिनट टू 90 मिनट के आसपास में फोन नॉर्मली आपको चार्ज होते देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ लेकर दोनों फोन अच्छा है इस मामले में। लास्टली अगर सॉफ्टवेयर एंड UI की बात करेंगे, दोनों फोन में आपको XOS 10 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स की बात किया जाए तो XOS पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, बट आज के दिन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। मतलब अभी भी काफ़ी ऐसा ब्लोटर एंड प्रीलोडेड एप्स देखने को मिलते हैं जो कोई काम का नहीं है, बट फिर भी देखने को मिलता है, अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे काफ़ी सारा ऐप। सेम टाइम ऐसा ऐसा फीचर रहता है जो फीचर नहीं देने पर भी चल जाता है, बट फिर भी देखने को मिलता है। ये सब कुछ लेकर जो मुझको जो लगता है इन्फिनिक्स को अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिश करना है, काफ़ी लाइट करना है UI को। बट ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फोन ठीक है, बट एंड्रॉइड 12 के बारे में मैं कुछ कन्फर्मेशन आपको नहीं देने वाला हूँ। तो ये है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन एंड कंपैरिजन। तो आपको कौन सा फोन लेना है, देखिए अगर आप 1000 रुपया एक्सटेंड कर सकते हैं प्राइस, तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा आप इन्फिनिक्स हॉट 11S की साथ जाइए, क्योंकि आपको बेटर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, बेटर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, बेटर कैमरा देखने को मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बेसर सब कुछ लेकर ओवरऑल में फोन भी बेटर है। तो ये है मेरा थॉट। बाकी अगर आपका बजट टाइट है तो ऑब्वियसली हॉट 11 2022 की साथ भी जा सकते हैं। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ जान रहे नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर देने के लिए ट्राई करूंगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को वीडियो चैनल ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।